हेलो हिंदुस्तान, आज हम कर रहे हैं खबर धप्पा यूपी में हो रहे डेमोलिशंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और उसके अधिकारियों से 3 दिन के अंदर अंदर जवाब मांगा है, जिसमें उन पर पिछले हफ्ते हुए दंगों के आरोपियों के घरों को डेमोलिश करने का आरोप लगाया गया है। वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिस एस बोपाना और जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि सिटीजंस को ये पता होना चाहिए कि देश में कानून का शासन है। उन्होंने कहा, सब कुछ निष्पक्ष होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी कानून के तहत उचित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करेंगे। बेंच ने इस मामले को ट्यूसडे को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है। ये पिटीशन मुस्लिम संगठन जमियात उलामा ए हिंद के द्वारा फाइल करी गई है, जिसमें मुस्लिम्स के इलीगल घरों और उनके बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जा रहा है, और इसमें वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता जावेद मोहम्मद भी शामिल थे। कोर्ट ने ऑर्डर इशू करते हुए कहा कि डेमोलिशन कानून के अनुसार होना चाहिए और वो रिटेलिएशन नहीं कर सकते हैं। खैर, इसके चलते यूपी सरकार को सिर्फ साधन रहने का ऑर्डर मिला है, लेकिन डेमोलिशन को रोकने का उन्हें अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला है। क्या लगता है आपको कि क्या सुप्रीम कोर्ट को डेमोलिशन रोक देने का ऑर्डर देना चाहिए? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सावधान रहें। धन्यवाद।